2019 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 19 मई को गोरखपुर में मतदान होना है, जिसे देखते हुए सारे राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि कम मतदान से कांग्रेस को फायदा है। उत्तर प्रदेश में कम मतदान हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बीजेपी भी हम पर हमला कर रहा है और गठबंधन भी हम पर हमला कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों से ताकतवर हैं। इसमें ताकतवर पर ही हमला करते हैं। जिस वक्त सीटें आएंगी, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रदेश में जितने भी पार्टियां हैं नॉन बीजेपी पार्टियां, उन सभी से समर्थन की बात करेगी। इस दौरान पूर्व मेयर पवन बथवाल, डॉक्टर सुरीता करीम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मैं इतना पूरी कंट्री की बात बता सकता हूँ कि देश में इस वक्त परिवर्तन होगा। भाजपा की सरकार नहीं आएगी, मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं होंगे और नॉन बीजेपी नॉन मोदी केंद्र में सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में जो 73 सीटें मिली थी पिछली दफ़ा भाजपा को, वो सिमट के आप 10-15 पे आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और जो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हों, उनको वोट मिलेगा बहुत ज़्यादा। और भाजपा नहीं, मैं किस मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा, मैं इतने ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त भाजपा को यूपी में भी और पूरे देश में भी बहुत कम मौत वो मिलेगा, कम मत मिलेगा और वो सरकार नहीं बना पाएगी। ये मैं नहीं कह सकता, कोई ये जादूगिरी नहीं है, लेकिन इस दफ़ा कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी। और गोरखपुर के लिए मतलब क्या एक अलग से तौर पर, अब गोरखपुर उसका एक हिस्सा है, मैं यूपी की एक एक सीट के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं पूरे स्टेट की बात करूँगा कि स्टेट में कांग्रेस के प्रति, क्योंकि ये लड़ाई दिल्ली की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमारी सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और जनता इस वक्त देश की भी और उत्तर प्रदेश की भी चाहती है कि भाजपा जाए, अगर भाजपा जाए तो कांग्रेस ही देश की बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला कर सकती है और सरकार बना सकती है। सीएम तो पहले भी सीएम की लोकसभा की सीट तो पहले भी हारी, 2-3 साल पहले बाई इलेक्शन में हारे, वो इस दफ़ा फिर हारेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो ज़रूर हारेगी, यहाँ से हारेगी, दावा करती है बहुत बड़ी, 10 सीटें मिलेंगी, 8 सीटें लगेंगी, मुझे लगता है 1-2 सीट से ज़्यादा वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट मिलने वाली नहीं। यूपी में कहाँ बहुत कम मतदान हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वातावरण बनाया था कि जिसने कभी ज़िंदगी में भी वोट नहीं दिया था वो भी वोट डालने आया और सीधे भाजपा को वोट दिया, तो इस दफ़ा भाजपा का अपना वोट बहुत कम हो जाएगा और जो बिल्कुल फ्लोटिंग वोट होता है वो तो एक बहुत निराशा हुई भारतीय जनता पार्टी से, तो वो तो भाजपा को वोट नहीं देगा इस दफ़ा। और भाजपा का अपना वोट जो है जो दूसरी पार्टी तो नहीं देगा, लेकिन वो घर पे बैठ गया इस दफ़ा। बहुत तो अच्छी सीटें नहीं हैं, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जितनी सीटें शायद आप अपेक्षा करते हैं उसे 3-4 गुना ज़्यादा ही मिलेंगे। अच्छी बात है ना कि उसको दोनों जगह बीजेपी भी हम पर हमला कर रहा और गठबंधन भी हम पर हमला कर रहा है, तो इसका मतलब हम ताकतवर दोनों से हैं, इसीलिए ताकतवर पर ही सब हमला करते हैं। तो सरकार बनाने की स्थिति में गठबंधन से क्या समर्थन लिया जाएगा? जिस वक्त अब सीटें आएंगी, जिसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको लेंगे, वो देश में जितने भी पार्टियाँ हैं नॉन बीजेपी पार्टी उनका सहयोग तो लाएंगे ज़रूर। अब सर लगता है सर चौकीदार कमज़ोर पड़ गया है? चौकीदार तो ढीला पड़ गया अभी, चौकीदार की हवा अब निकल गई, इसलिए भौंकला के गालियां दे रहा है। आप जब भी देखेंगे कोई गालियां दे रहा है लीडर, उसका मतलब है वो हार रहा, जीता हुआ कभी गाली नहीं देता, उसको मालूम है जीतना है तो काहे को अपनी जबान ख़राब करो। जब लीडर गालियां देने लगे उसका मतलब है कि उसकी हवा निकल गई।